नमस्कार, मैं हूं नेहा और आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस पर आज की खास खबर। आप तो जानते हैं कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, जिसके चलते पूरा विश्व पर्यावरण दिवस मना रहा है। 5 जून का दिन सीधे हमारे जीवन से जुड़ा है, जो बताता है कि केवल एक दिन पर्यावरण दिवस मनाने से आप पर्यावरण प्रेमी नहीं बन जाएंगे। आप तो जानते हैं कि बड़े बड़े बर्फ के ग्लेशियर पिघल रहे हैं, पर्यावरण पर ग्लोबल वार्मिंग का सीधा असर पड़ रहा है, आपका और हमारा जीवन खतरे में है। लेकिन अभी भी हम इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हम इस मामले में बच्चे बनकर नादानी कर रहे हैं। भारत में गर्मियां हर साल पड़ती रही हैं, लेकिन हर साल धीरे धीरे तापमान बढ़ता जा रहा है। इसकी प्रमुख वजह हमारा बिगड़ता हुआ पर्यावरण है। क्या आपने अपने जीवन में एक पौधा लगाया है? यदि लगाया है तो क्या आपने उसकी देखरेख की है? यदि की है तो क्या आपके घर में भी एक हरा भरा वृक्ष है? आप भी उस वृक्ष की छांव का मजा ले रहे होते? आप जिस वृक्ष की छांव का लुफ्त उठा रहे हैं, वह वृक्ष तो आपके पूर्वजों ने लगाया था। क्या आपने अपनी आने वाली नई पीढ़ी की हिफाजत के लिए कोई कदम उठाया है? आपको भले ही मेरी बात अच्छी नहीं लग रही होगी, लेकिन यदि आप थोड़ा सा भी सचेत हो जाएं, तो हमारा उद्देश्य कामयाब हो जाएगा। साल में एक दिन पर्यावरण दिवस मनाना या फिर एक ही दिन पौधे लगाना कोई बहादुरी वाला काम नहीं है। यदि आप पौधे नहीं लगा सकते तो मैं आपको एक सलाह देती हूँ कि जो दूसरे लोग सड़कों के किनारे पौधे लगाते हैं, कम से कम आप उनकी देखभाल तो कर सकते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पौधारोपण किया गया। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि जैसे हम सांसारिक वस्तुओं को धारण करने में गर्व महसूस करते हैं, वैसे ही हमें वृक्षों के लिए भी गर्व होना चाहिए। प्राकृतिक के साथ सामंजस्य बनाकर रखना ही धरती पर प्रलयकारी स्थिति से बचने के लिए एकमात्र उपाय है। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस पर पौधारोपण किया गया। वह उन्होंने कहा कि देश प्रदेश के लोगों को पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने चाहिए, क्योंकि वृक्ष ही प्रकृति को संतुलन बनाए रखने में सहयोग दे सकते हैं। आज करनाल में मानव केयर संस्थान ने करंट पार्क समेत कई स्थानों पर पौधारोपण किया। संस्थान के अधिकारियों ने पौधारोपण को जरूरी बताते हुए कहा कि यदि अभी से पौधे के संरक्षण पर ध्यान दिया गया तो मानव जीवन खतरे में पड़ सकता है। समाज सेवियों ने कहा कि पौधे हमारे जीवन का अहम हिस्सा है और इनके बिना हम अधूरे हैं। पौधे ऑक्सीजन और बारिश की फैक्ट्री है। रास बसेरा आपको दे रहे हैं समय से पहले अपने घर की चाबी। रास बसेरा जो कि चीटी रोड NH1 तरावड़ी करनाल पर स्थित है, सभी सुविधाओं के साथ हाईली लग्जरी होम्स बहुत कम कीमत पर। 1 BHK की कीमत है मात्र 9,71,000 और 2 BHK मात्र 15 लाख में। मात्र 48,553 देकर आज ही अपने सपनों का घर बुक करवाएं, बाकी आसान किस्तों में। रास का सपना, सबका घर हो अपना। रास बसेरा, GT रोड NH1 तरावड़ी करनाल। नमस्कार, मैं निशा मंडान, आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस और आज हमारे साथ मानव केयर संस्थान के संजय गुप्ता जी हैं। सर, आप क्या संदेश देना चाहते हैं? पर्यावरण जो दिवस है ना जी, वैसे तो हर दिन का अपना एक महत्व होता है, पर पर्यावरण जो दिवस है आज, इसका एक अपना विशेष महत्व है, क्योंकि इसका सीधा असर हमारे जीवन पे पड़ता है और सीधा हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। क्योंकि जिस प्रकार से आज की उसमें डेट में देखें तो पर्यावरण प्रदूषित होता जा रहा है, भूजल नीचे जाता जा रहा है, पहाड़ ख़त्म होते जा रहे हैं और जो है ना वातावरण में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। तो उसको देखते हुए मतलब ये लगा लो कि बहुत किस्म की बीमारियां हैं, बहुत किस्म की प्रॉब्लम जो है ना मनुष्य के जीवन में आती जा रही हैं। धरती तप रही है, टेम्परेचर 50 डिग्री पहुँच गया है, जो कि आने वाले समय में और ज़्यादा आएगा, तो मनुष्य का जीवन अस्त व्यस्त होने वाला है इस तरीके से। तो ऐसे में पेड़ ही एकमात्र ऐसा साधन है जो मनुष्य के जीवन को बचा सकते हैं। पेड़ ही ऐसी वो है, एक किस्म से वरदान है भगवान का, कि जो प्रकृति से ऑक्सीजन जो है ना छोड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड शोषित करता है और मनुष्य के लिए जीवनदायिनी हवा देकर और वातावरण को ठंडा रखता है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पर्यावरण दिवस पे क्या, वैसे भी हमेशा हमें ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने चाहिए और पेड़ पौधे लगाकर हमें जो है ना इसको धरती को हरा भरा रखेंगे तो हमारा जो संतुलित रहेगा पर्यावरण और मनुष्य का जीवन भी सुरक्षित रहेगा। तो मानव केयर संस्थान इसी कड़ी में हर साल जो है ना पौधे लगाता है, उनकी देखरेख करता है
और आगे भी मतलब हमेशा हमारा अब के सीज़न में भी हमारा प्लान है कि हम लगभग 500 पौधे लगाएंगे। ट्री गार्ड के साथ हम लोग पौधे लगाते हैं, उनकी देख रेख करते हैं, उनको बड़ा करते हैं ताकि जो है पर्यावरण संतुलित रहे। अभी हमारे साथ मौजूद है मानव केयर संस्थान से ही मनोज कुमार। सर, आप आम जन को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम ये संदेश देना चाहते हैं कि हमने सीमेंट कंक्रीट का तो बहुत बड़ा जंगल बना लिया, वो भी पेड़ पौधों को काट करके, और अब हमें सांस लेने में दिक्कत आ रही है क्योंकि हमें ऑक्सीजन की मात्रा दिन में दिन हवा में कम होती जा रही है और पोल्यूशन बढ़ने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है। और अब हमें ज़रूरत है कि हमें जहाँ भी स्थान मिले वहाँ पे हम पेड़ पौधे लगाएं, और इस चरण में हमने मानव केयर संस्थान की तरफ से पिछले 10 साल से पेड़ लगाए जा रहे हैं और हजारों की संख्या में पेड़ लगा चुके हैं और उनको बड़ा कर चुके हैं। और अब हमने आज भी पर्यावरण दिवस के अवसर पर सुबह 5 बजे और उठ करके वहाँ पे पेड़ लगाए हैं और ट्री गार्ड के साथ, और जिनको हम लगे, और आगे भी हमारा इस चरण में 500 पेड़ लगाने का प्रोग्राम है और जिसको हम लगाएंगे। आज विश्व पर्यावरण दिवस है जिसके चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पौधारोपण करके लोगों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। सीनियर कैमरा पर्सन सनी चौधरी के साथ मैं निशा मंडान, देखते रहिए समाचार एक्सप्रेस। वहीं करनाल में कई सामाजिक संस्थाओं ने विश्व पर्यावरण दिवस पर पौधारोपण किया। इस कड़ी में सबसे पहले विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज के परिसर में कर्मचारियों द्वारा पौधारोपण किया गया। सरकार द्वारा संचालित विश्व पर्यावरण दिवस की कड़ी में कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज के निदेशक सुरेंद्र कश्यप की अगुवाई में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया व निदेशक कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज के अन्य कर्मचारियों द्वारा पौधारोपण भी किया गया। इस उपलक्ष्य में निदेशक सुरेंद्र कश्यप ने बताया कि विश्व पर्यावरण दिवस को हम सभी को मिलकर सफल बनाना चाहिए। हमारी सरकार समय समय पर पर्यावरण की रक्षा हेतु नियम व कानून बनाए गए हैं, लेकिन यह तभी संभव है जब आम नागरिक की इसमें भागीदारी हो। स्वच्छ जीवन की परिकल्पना स्वच्छ पर्यावरण के बिना नहीं की जा सकती, इसलिए हमें अपने प्रत्येक वर्ष कम से कम एक पौधारोपण अवश्य करना चाहिए। जैसा कि सब जानते हैं कि हमारा पर्यावरण लगातार दूषित धूमिल होता जा रहा है। इस विश्व पर्यावरण दिवस में राजकुमार, सुरेंद्र, दीपक, विक्रम, कुणाल, धर्मवीर द्वारा कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज में पौधारोपण किया गया। वहीं दूसरी ओर पर्यावरण संरक्षण सेक्टर 13 में पौधारोपण किया गया। वार्ड पार्षद वीर विक्रम कुमार कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे और उन्होंने समिति अध्यक्ष एसडी अरोड़ा के साथ पौधारोपण का शुभारंभ किया। जिस तरह इन संस्थानों ने पौधारोपण किया है, हम उम्मीद करते हैं कि वह पौधा संरक्षण की जिम्मेवारी भी उठाएंगे। यदि अब आपका मन बदल गया तो आप भी उठिए और अपने घर के आंगन में एक पौधा जरूर लगाइए। नमस्कार, देखते रहिए समाचार एक्सप्रेस पर दिन भर की बड़ी खबरें, क्योंकि यहाँ खबरें कभी खत्म नहीं होती। समाचार एक्सप्रेस का प्राइम शो देखना कभी ना भूले। स्वस्थ रहें, खुश रहें, क्योंकि रास बसेरा आपको दे रहे हैं समय से पहले अपने घर की चाबी। रास बसेरा, जो की जीटी रोड NH1 तरावड़ी करनाल पर स्थित है।
रास का सपना सबका घर हो अपना। रास बसेरा, GT रोड NH1 तरावड़ी करनाल।